हेयर गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का वीडियो काफी एक्साइटमेंट होने वाला है क्योंकि बात करने वाला हूँ रेडमी नोट 10 प्रो, वो सीरीज जिसे इंडिया में इतना ज्यादा प्यार मिलता है हर साल सारे इंडियन कस्टमर्स की तरफ से। आई थिंक रेडमी और किसी सीरीज को उतना लव इंडियन पब्लिक नहीं करती है जितना नोट सीरीज को करती है। तो कुछ रूमर्स, थोड़े मोड़े कन्फर्मेशन, पिछली सीरीज से कुछ एक्सपेक्टेशन था वो नहीं फुलफिल हुआ, इसमें हो सकता है। अगर जानना है ये सारी डिटेल्स तो पूरी वीडियो को एंड तक देखना होगा आप सभी को। आई होप यू विल स्टे ट्यून्ड। माइट बी वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है बट इट विल बी बेटर एनफ टू वॉच द वीडियो टिल एंड। चैनल पे नए हो या आवाज पहली बार सुन रहे हो, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, लाइक प्रेस करना और कमेंट भी कर देना ताकि ऐसे ही क्रिस्पी न्यूज वाले वीडियो आपको इंस्टेंट पहुंचे जैसे ही हम लोग अपलोड करें। बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट गाइस, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कैमरा को लेके, जो कि काफी एक्साइटमेंट होता है Xiaomi की तरफ से एवरी ईयर नोट सीरीज में। Mi 10 में फ्लेक्सिप लेवल पे पेंटेरियर कैमरा लॉन्च किया था फर्स्ट टाइम Xiaomi ने। नोट सीरीज में 8 और 9 दोनों में 64 रहा है, 108 मेगापिक्सल डेफिनेटली नोट 10 में देखने को मिलेगा नेक्स्ट ईयर, जो कि काफी एक्सक्लूसिव होगा। बाकी के 4 कैमरा मिनिमल होंगे क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट आई थिंक 108 मेगापिक्सल पे इनकर होगा। इसके साथ फ्रंट में आपको इस बार पॉपअप सेल्फी कैमरा, जी हाँ दोस्तों, देखने को मिलेगा क्योंकि 2020 जो था वो नॉच का ईयर था, बट पॉपअप डेफिनेटली अपग्रेड होगा इस स्मार्टफोन नेक्स्ट ईयर में। तो पॉपअप सेल्फी हो सकता है मिनिमम 20 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाए, जो कि काफी बेहतरीन होगा कैमरा सेक्शन के लिए Xiaomi की तरफ से। साथ ही मैं बात कर लूं डिस्प्ले एंड डिजाइन की, तो फ्रंट एंड बैक दोनों में सबसे पहले गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा और ग्लॉसी फिनिश देखने को मिलने वाली है कर्व्ड एजेस के साथ, जैसा कि Xiaomi 9 में देखने को मिला था, जैसा कि Redmi Note 9 में देखने को मिला था। कैमरा का जो सेटअप होने वाला है पेंटा कैमरा होगा, होपफुली चांसेस है कि Mi 10 जो सीरीज में कैमरा देखने को मिला था एग्जैक्टली उसी की तरह देखने को मिले। ग्लॉसी लुक काफी इनहेंस करती है इसके क्वालिटी को, डिजाइन को एंड इम्प्रेशन को भी, जिससे कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं उसको परचेस करने के लिए। फ्रंट की बात कर लूं तो अप्रोक्स 6.67 इंच का एमोलेड पैनल इस बार देखने को मिलेगा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ, जो कि काफी बेहतरीन बात है। और 404 ppi के ऊपर जो एमोलेड पैनल का डिस्प्ले क्वालिटी है वो काफी इंप्रूव रहता है, जो कि आपके वीडियो स्ट्रीमिंग के एक्सपीरियंस को और एनहांस कर देगा। बात कर लूं दोस्तों परफॉर्मेंस यानी प्रोसेसर को लेके, तो MediaTek के Dimensity 820 जो अभी रिसेंट Redmi 10X में देखने को मिलने वाला है मिल सकता है। काफी चीपेस्ट प्रोसेसर है, 5G एनेबल्ड है और आई थिंक 765 से ज्यादा कैपेबल है आपको परफॉर्मेंस के मामले में। तो आई थिंक पैसा के मामले में तो इसको ही Xiaomi यूज कर सकती है, क्योंकि Snapdragon से ज्यादा क्वालिटी उससे कम दाम में अगर मिल रहा है तो वो उसे क्यों ना इनबिल्ट कर। अदर फीचर्स में 3.5mm जैक, IR ब्लास्टर और टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, विच इज अ गुड थिंग एज यूजुअल फॉर Xiaomi यूजर्स। दोस्तों बात कर लूं अगर इसके बैटरी सेक्शन की, तो 4000 से लेके 5000mAh के बीच में ये बैटरी सेक्शन प्रोवाइड करेगा। वायरलेस चार्जिंग माइट भी सपोर्ट कर सकता है, मुझे नहीं लगता है। इसके साथ 30W का क्विक 4.0 का चार्ज सपोर्ट देखने को मिलेगा Xiaomi के तरफ से आउट ऑफ द बॉक्स। साथ में प्राइसिंग में दोस्तों बात कर लूं तो एज यूजुअल 15000 से इसका बेस मॉडल देखने को मिलेगा, 464GB वाला अपर मॉडल, 6128GB वाला 20000 तक जा सकता है। लॉन्च डेट एज यूजुअल मई टू जून या फिर जनवरी टू मार्च के बीच में 2021 में लॉन्च होगा नेक्स्ट ईयर। रूमर्स था, कुछ कंफर्म्ड स्पेसिफिकेशन नहीं आया है, आते ही जरूर इसके ऊपर एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो कंप्लीटली बनाऊंगा आप सभी के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल, हैव अ लवली डे, स्टे एट होम एंड बी सेफ।